चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। अगर मुस्लिम वोटर एक तरफा हो गया मौलाना को तो जीत जाएंगे, निकल जाएंगे। और मुस्लिम वोटर पटा ईशान खां पे भी गया बहुजन वाले कैंडिडेट पे तो बीजेपी निकल जाएगी। मैं पहले उसमें था कांग्रेस में, अब मैं बीजेपी के साथ हूँ 15 साल से। विपक्ष कहता है बीजेपी जो है मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। अरे नहीं सर, देखिए ये कहने वाली बात है, मान के चलिए अगर राशन भी आ जाएंगे तो सभी लेने जाना, ये तो है नहीं है भाई, मुसलमान नहीं जा रहे लेने, हिंदू नहीं जा रहे, सभी जा रहे लेने के लिए, ठीक है। आजम खान की तो सबके सामने आ चुकी है ना, उन्होंने क्या किया अपने शासनकाल में, लोग थोड़ा सा उनसे अलग हैं। इमाम साहब जो है दिल्ली के अंदर है, वो तो आएंगे वहाँ से दिल्ली से, चाहे वो 2 महीने में आए 4 महीने में, पब्लिक कैंडिडेट की कोई नहीं, उसकी पब्लिक ही नहीं सुनेंगे, और जो लोकल कैंडिडेट है वो सुने। तो इस समय हम रामपुर शहर के ज्वालानगर एरिया के राम मनोहर लोहिया पार्क में हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं। सर राम क्या है आपका? मेरा नाम हरी बहादुर सक्सेना। अच्छा सर, क्या माहौल चल रहा है यहाँ चुनाव का? यहाँ पर माहौल सब बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी की सीट हमारी निकलेगी। अच्छा जी, और जो आजम खान का गढ़ कहा जाता था रामपुर को? नहीं, आजम खां की तो सबके सामने आ चुकी है ना, कि आजम खां मतलब क्या है, मतलब किस, उन्होंने क्या किया अपने शासनकाल में, अब जैसा भी है वो तो बहरहाल सबके सामने आ चुकी है, तो अब लोग थोड़ा सा उनसे अलग हैं। हाँ, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं घनश्याम लोधी, क्या खास बात है? भाई बीजेपी की खास बात तो कुछ नहीं है, खास बात तो बस यही है कि वो शासन के साथ हैं, मतलब जो जिसका वो राज है इस वक्त, जो मतलब उसमें है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारा सब काम करेंगे, और इसीलिए मतलब जनता को ये उम्मीद है कि हम इनको जिताएं और अपना मतलब आप जो भी हमारे काम है वो इनसे कराएं। अच्छा, तो लोधी जी को जिताना है या मोदी जी को जिताना है? सब हम तो बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं, और बीजेपी से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो बीजेपी से काम करा सकता है। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? हरिओम सक्सेना। बताइए सक्सेना जी, क्या कह रहे हैं आप? भाई मैं ये कह रहा था कि भाई मोदी जी जो है, बीजेपी सरकार या मोदी जी जो है देश को ऊपर ले गए हैं, वर्ल्ड में नाम है, बस हम ये चाहते हैं, बस वर्ल्ड में नाम रहे। अच्छा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर 52% तो मुस्लिम आबादी है, 48% हिंदू आबादी है, तो जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट खड़े हैं इमाम साहब को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है, तो क्या लग रहा है इस बार? इमाम साहब जो है दिल्ली के अंदर रहते हैं, रहने वाले रामपुर रजाद तहसील के रजानगर के रहने वाले हैं, वो तो आएंगे वहाँ से दिल्ली से, चाहे वो 2 महीने में आए 4 महीने में, पब्लिक कैंडिडेट की कोई नहीं, उसकी पब्लिक ही नहीं सुनेंगे, और जो लोकल कैंडिडेट है वो सुनेगा। तो लग नहीं रहा कि जब 52% वोटर मुस्लिम है तो उधर रुझान उनकी तरफ? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, समझे, ये खाली 52% सिर्फ रामपुर सिटी का ही तो है, मगर जो आपका ओवरऑल जो है आपकी सारी लोकसभा जितनी भी आती है स्वार की है या, तो उसमें जो है उसमें कैंडिडेट उधर निकलता हुआ बीजेपी का निकलता है और वही कैंडिडेट देते हैं। अच्छा, उपचुनाव में जीत गए थे सांसद महोदय आपके? हाँ, तो उपचुनाव में ये जीते, उसके बाद जब आजम खान का उनके हुआ था मिसेज का, तो डॉक्टर नेपाल सिंह जीते थे, वो इसी वजह जीते थे, बस जो 4 ब्लॉक हैं उसमें हिंदू जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो हिंदू वोटर है एक तरफा जो है बीजेपी? एक तरफा नहीं, वो तो देखिए हर वोटर तो हर एक को हर देता ही है, लेकिन फिर भी रुझान जो है बीजेपी भी ज़्यादा। सर क्या लगता है बीजेपी सरकार की खास बात क्या लगती है? मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ पे सर बीजेपी सरकार जीत जाएगी और सारे लोगों का रुझान पब्लिक का जो है बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि समाजवादी में आपस में फूट पड़ गई है, आजम खान जो हैं समाजवादी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खामोश खड़े हैं, उनके जितने सपोर्टर हैं आजम खान के वो सब भाषापाक में चले गए, भाषापाक को सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, इसलिए आपस में उनकी फूट पड़ गई है। भाषापाक का यहाँ है नहीं, छोटा वोट जो है एससी का मायावती को जाता है, बड़ा वोट जो है बीजेपी को जाता है,
तो बीजेपी को कोई रोकने वाला तो है नहीं, सीधी निकल जाएगी बीजेपी। अच्छा, क्लियर है। क्या काम लोगों को अच्छे लगते हैं इस सरकार के? इस सरकार के काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, गरीबों को राशन दिया है और आयुष्मान कार्ड बनाया, उनका 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा दी है, और भी बहुत सी सुविधाएं उन्होंने दे रखी हैं, मकान बना के दिए हैं उन्होंने। तो ये सारी उनके जो गरीबों की योजनाएं दी हैं, वो गरीब जो हैं वो तो बीजेपी को याद करते हैं, जय जयकार नारे लगाते हैं और बीजेपी सरकार जीतेगी। अच्छा, आई साहब बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो प्रेम है। अच्छा प्रेम जी, क्या लगता है किस चुनाव में? हाँ चुनाव, चुनाव में तो देखिए आप वोटिंग होएगी, आ गए थे, जिसका जो मत होगा उसको देगा वोट अपना अपना। नहीं, एक इंडिविजुअल होने के नाते क्या लगता है? नहीं नहीं, इंडिविजुअल तो मुझे तो ये लगता है, आ गए थे कि जब 4 जून को आएगा तो परिणाम सामने होंगे। अरे वो तो सबको ही पता चल जाएगा। नहीं तो क्या सोच कर वोट डालती है जनता? जैसे अब लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कोई कहता है कि मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है। जनता जो है इसमें सुरक्षा के मुद्दे पर और अपने विकास के मुद्दे पर, इसके साथ साथ आप समझ जाइए कि जो योजनाएं चल रही आ गए थे, जिसमें कि राशन योजना है या और तमाम ऐसी योजनाएं हैं आ गए थे, तो जनता उससे मतलब प्रभावित है और उसी के देख वोट डालेगी। भाई गुंडागर्दी खत्म हुई है तो बात सब जान ही रहे, जनता गुंडागर्दी ये खत्म हो रही है तो इसके खिलाफ इसके पक्ष में वोट डालेगी कि गुंडागर्दी आगे ना हो। गुंडागर्दी खत्म हो गई, अब लगभग गुंडागर्दी खत्म हो गई, जो पहले जैसी गुंडागर्दी थी वो अब गुंडागर्दी रामपुर में नहीं है। महंगाई बढ़ी है? लेकिन महंगाई तो थोड़ी बहुत जरूर बढ़ी हुई है आगे थे, लेकिन यह है कि महंगाई तो ऐसा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और विकास बढ़ता जाएगा तो चीज़ें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़ती जाएगी, संसाधन कम हो रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था जो कहती है कि जब चीज़ों की आवक कम हो जाती है और उसकी मांग बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ेगी जरूर। भाई आप देखिए आगे थे, पहले के घरों में लोगों पर साइकिल नहीं होती थी, आज घरों में प्रत्येक घर पर मोटरसाइकिल और मोटर है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो महंगाई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है? महंगाई देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कहते, लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्कूली शिक्षा है, क्या कहते हैं, और ये स्वास्थ्य व्यवस्था, इस पर कंट्रोल होना चाहिए आगे थे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये इसकी कोई वो नहीं है मर्यादा, मतलब लिमिट नहीं है, इसलिए इसकी लिमिट होनी चाहिए, मतलब इस पर कंट्रोल होना चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये या तो निःशुल्क हो और या फिर बहुत ही कम उस पर आ गए थे, सबको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते। आप एक युवा हैं, क्या करते हैं? दुकान है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? वोटर तो हैं आप? हाँ वोटर हैं। बताइए जरा, एक युवा के लिए बेरोजगारी है, कोई मुद्दा है? बेरोजगारी तो है, बताइए, मुद्दा भी है। सरकार के कामों से खुश है? सही है, मिले जुले काम है, काम कुछ अलग सब मिला जुला है। क्या अच्छा लगता है सरकार का काम और क्या लगता है कि ये होना चाहिए था हुआ नहीं? गुंडागर्दी तो ख़त्म हुई है और बेरोजगारी, महंगाई, ये चीज़ें बढ़ी हैं, ये चीज़ है। पढ़ाई उड़ाई हुई? हाँ, 12th करा था मैंने। अच्छा, आगे पढ़ाई का कुछ सोचा नहीं? रोजगार कहाँ था, बेरोजगारी इतनी थी, देख रहे थे चारों तरफ बेरोजगारी, तो फिर क्या फ़ायदा? क्या माहौल है शहर में? 50-50 है मामला, 50-50 है। अगर मुस्लिम वोटर एक तरफा हो गया मौलाना को तो जीत जाएंगे, निकल जाएंगे, और मुस्लिम वोटर बटा ईशान वहाँ पे भी गए बहुजन वाले कैंडिडेट पे तो बीजेपी निकल जाएगी। अच्छा, तो बहुजन वाले जो हैं वोट काट रहे हैं? हाँ, वोट तो वो तो डाइवर्ट तो होता ही है, होता ही है, इलेक्शन तो रामपुर में पोलराइज होगा। अच्छा, हो रहा है। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। नितिन जी बताइए जी, क्या है माहौल आपका चुनाव? माहौल तो बीजेपी का ही है। हाँ, क्यों? बीजेपी का गुंडागर्दी खत्म हुई है, बाकी काम अच्छे हैं बीजेपी के। क्या अच्छा काम किया है? गुंडागर्दी आप देख रहे हैं खत्म हो गई है लगभग यूपी से, और काम अच्छे हुए हैं यहाँ पे, सौंदर्यगढ़ अच्छा हुआ है, पहले यहाँ पे कोई रोजगार काम नहीं था, काम भी अच्छा करा, पार्क बढ़िया कर दिया, रोड अच्छी कर दी, ये सारी चीज़ें, और रुझान बीजेपी की तरफ है सबको लगभग। मुस्लिम मतदाता तो ऐसा नहीं कह रहे? नहीं, मुस्लिम तो नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बीजेपी का अच्छा है, बीजेपी की सीट अच्छी है, पकड़ अच्छी है। हिंदू वोटर तो यहाँ पे कितना है? 48%। नहीं, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हिंदू वोटर ज़्यादा है, अभी अंकल जी ने बताया था हिंदू वोटर ज़्यादा है ओवरऑल, अगर सिटी की बात करोगे तो कम है, लेकिन ओवरऑल में हिंदू ज़्यादा है, गाँव में ज़्यादा है। हाँ, गाँव देहात में तो लग रहा है इस बार फिर से। हाँ, बीजेपी आएगी 100% आएगी बिल्कुल। सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी, मोदी जी की बनेगी। अच्छा, बिल्कुल। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी सभी को बड़े लगते हैं।
बताओ जरा कुछ अच्छी बातें। मोदी जी ने काम अच्छे करे हैं, बढ़िया लेवल पे काम करे हैं, और आप देख रहे हैं विदेशों में भी अच्छे भारत का नाम रोशन करा है मोदी जी ने। लैंड भी फ्री करेंगे आपके? नहीं, वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन अच्छा काम करे मोदी जी ने। इसी बीच पे मोदी जी को जनता पसंद करती है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? सर कोई बात नहीं, मैं नहीं कर सकता कुछ। अरे बताओ बताओ, आप पीछे से इतना बोल रहे हैं, सामने से। अरे नहीं सर, क्या बोल रहे हैं, मैं मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। अच्छा जुनैद साहब, बताओ। जी सर बताइए, मैं सफाई कर्मचारी। अच्छा, हाँ सुविधा बढ़िया है सर यहाँ पे, और ऐसा गुंडागर्दी तो माशाल्लाह से सभी जगह के ख़त्म कर दी है मोदी जी ने, ठीक है। मैं पहले उसमें था कांग्रेस में, अब मैं बीजेपी के साथ हूँ 15 साल से, तो मैं वोट भी बीजेपी को दूंगा, और मैं चाह रहा हूँ आगे भी वो जीते। अच्छा, हाँ काम अच्छे कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। बहुत से देश में कहा जाता है कि बीजेपी जो है, विपक्ष कहता है बीजेपी जो है मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। अरे नहीं सर, देखिए ये कहने वाली बात है, मान के चलिए अगर राशन भी आ जाएंगे तो सभी लेने जाना, ये तो है नहीं है भाई, मुसलमान नहीं जा रहे लेने, हिंदू नहीं जा रहे, सभी जा रहे लेने के लिए, ठीक है। और मान के चलिए अगर 500 या 100 रुपये डाल लेंगे वो सभी जा रहे लेने के लिए, ये तो नहीं है भाई, मत जाओ लेने के लिए, खाद में अगर पैसे आकर 1 रुपये भी डाल लें तो सभी जा रहे लेने के लिए, ठीक है ना। बस ये बताइए सर, चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा है इस बार? चुनाव में राम मंदिर मुद्दा तो नहीं है, आज तक 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी, राम मंदिर बनाया ही नहीं। अब कांग्रेस ने अपना प्रयास करके मुकदमे के जरिए राम मंदिर बनाया, हिंदुओं की भावनाओं को ऊंचा किया उन्होंने, और आज वो राम मंदिर का है, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा, अब तो राम मंदिर बन गया, मुद्दा काय का होगा कि भाई ऐसी सरकार जिसने राम मंदिर बनवाया है तो आगे भी ऐसी काम कराएगी? हाँ तो काम कराएगी, आगे करा ही रही है। क्या काम रह गया अभी? अभी अभी तो उसका बनारस का और मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, वो कोर्ट से तय होना है। ज्ञानवापी का? हाँ ज्ञानवापी का, और मथुरा का है वो भी कोर्ट से तय होना है। उसके बाद में ये पुराने जो राजा लोग थे वो उन्होंने ज़बरदस्ती जो थी हिंदुओं की जगह छीन के और इस्लामी इमारत खड़ी कर दी थी, आज वो जो है उसकी जांच पड़ताल हो रही है और वो निकल के फैसले आ रहे हैं हम हिंदुओं के हक़ में, और वो और जीत रहे हैं। बढ़िया, और कोई मुद्दा है? ये सीए वगैरह ले आए हैं, सरकार ले आई है सीए तो सबके लिए एक सा है, ये तो गलत अफवाह फैला रखी है कि सब वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचेगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है सीए में। डरा हुआ है मुसलमान सीए के नाम से? हमारी कई लोगों से जब बात हुई। नहीं तो सीए के नाम से यहाँ पे बहुत बड़ा एक हंगामा भी हुआ था, उसमें बहुत से लोग जेल भी गए थे, अभी तक जेल जाते रहते हैं, उसमें जो गिरफ्तारी होती है, तो सीए में कोई ऐसी बात नहीं है कि इस्लामी लोगों को कोई नुकसान पहुँचे, वो तो सबके लिए बराबर है। कोई भी कानून होता है ना उसमें हिंदू देखा जाता है, ना मुसलमान देखा जाता है, ना ईसाई देखा जाता है, ना पादरी देखा जाता है, सब जो है सब जातियों के लिए एक कानून होता है, ऐसे सी एक सब एक जाति के लिए है। तो क्यों डरा हुआ है मुसलमान तबका सी ए से? अब मुसलमान को डरा रखा है लोगों ने, जो नेता लोग हैं उन्होंने डरा रखा है, कोई डरा हुआ नहीं है वैसे वो। तो ये जो लोग उनके नेता लोग हैं वही डरा के रखते हैं? वही डरा रखते हैं। बाकी क्या लग रहा है, विपक्ष के एकजुट नहीं हो पा रहा? ये तो सब इकट्ठे हो गए, अलायंस बना लिया विपक्ष ने, अलायंस बनाने के बाद में एकजुट नहीं है। यहाँ रामपुर में देख लीजिए, यहाँ पे समाजवादी और कांग्रेस का इलेक्शन है तो समाजवादी की सीट हो गई, समाजवादी में बिखराव हो गया है, कांग्रेस खामोश बैठी हुई है और कुछ नहीं, गठबंधन में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं, इतना गठबंधन बनाया जाए कोई दम, यहाँ रामपुर में तो कोई दम है नहीं गठबंधन में। और जो एक आजम खान का यहाँ पर वर्चस्व था एक ज़माने में, वो अभी भी है? नहीं अब नहीं, देखिए वर्चस्व तो ज़्यादा जो गुंडे लोग थे, जो ज़्यादातर क्रिमिनल लोग थे, वो उसमें धमका के लोगों को अपनी तरफ करके लूटपाट करके तैयार करके दबरा कर अपने डरा के धमका के अपनी तरफ कर लिया करते थे, उन लोगों का सफाया हो गया सब बिल्कुल, अब कोई भी नहीं, इंसाफ की बात हो रही है जो कुछ हो रही है। मतलब आजम खान जेल में है तो यहाँ पे खौफ कम हुआ है लोगों में उनका? उनका नहीं है, अब आजम खान ने काम ऐसे किए, उसकी यूनिवर्सिटी में बहुत सी शत्रुधन संपत्ति ले ली, कहीं किसी का मकान छीन लिया, किसी का मकान छीन के अपना स्कूल बना लिया, कोई बिल्डिंग है तो वो अपने नाम उन्होंने अलाटमेंट करा ली, ये उनके कारनामे थे, वो उनके आगे आए, आज जो है पब्लिक को सुकून है सब। चलिए तो यहाँ जो है मुद्दा, लोगों का कहना है कि विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर
वो लोग यहाँ पर वोट करेंगे। इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।